आज हम देखेंगे ट्रायड्स, कितने कितने ट्रायड्स होते हैं हमारे डिसीज़ कंडीशन में। फर्स्ट होता है कुशिंग ट्रायड, जो कुशिंग सिंड्रोम होता है उसमें होता है। इसमें जो होता है आईसीपी इंक्रीज हो जाती है, आईसीपी मतलब इंट्राग्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, ये लेट साइन है कुशिंग सिंड्रोम का। इसमें हम क्या क्या ट्रायड में देख सकते हैं, डिक्रीज हार्ट रेट, हार्ट रेट डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीज रिस्पिरेशन रेट, रिस्पिरेशन रेट भी डिक्रीज हो जाती है, काइनी स्ट्रोक रिस्पिरेशन भी बोलते हैं इसको, और जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि वाइडन प्लस पल्स प्रेशर, पल्स प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है। सेकंड है चार कॉर्ड ट्रायड, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में होता है। इसमें जो होता है सिन मिमोनिक्स है, सिन का होता है स्कैनिंग स्पीच, इंटेंशन ट्रिमर्स होते हैं, और एनफोनिस्टैग्मस होता है, ठीक है। बैक ट्रायड जो होता है कार्डियक टेम्पोनेट में होता है, इसमें जुगलर वेन डिस्टेंशन हो जाता है, हार्ट जो साउंड होती है वो मफल्ड साउंड हो जाती है, इसमें बीपी डिक्रीज हो जाता है क्योंकि नैरो पल्स प्रेशर हो जाता है। फिर कॉर्ड ट्रायड जो होता है डीपीटी में, डीप ब्रेन थ्रोम्बोसिस में होता है, इसमें स्टेटिस वेनस सर्कुलेशन होता है, हाइपर कॉगलेबिलिटी हो जाता है, एंडोथेलियल डैमेज हो जाता है। तो ये ट्रायड थे चार ट्रायड जो कि हम डिसीज कंडीशन में पढ़ते हैं। एक तो कुशिंग ट्रायड हो गया, ये जो हम कुशिंग सिंड्रोम में पढ़ते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में कंडीशन में हम पढ़ते हैं, कार्डियक कंपोनेंट एंड डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें कोरिलेट करने में हेल्प करता है। थैंक यू।